दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं आपके अपने YouTube चैनल यम प्रिफर सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप क्लास 12th यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं या किसी भी क्लास में हैं, तो अगर यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम से, तो यह चैनल आप लोगों के लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, मतलब मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है एंड ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या होता है। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहला चीज़ कि सर मैग्नेटिक फील्ड आया कहाँ से, तो सबसे पहले क्या होता है, एक हम लेते हैं एक दंड चुंबक। क्या लेते हैं? एक दंड चुंबक लेते हैं। और दंड चुंबक आप लोगों को पता होगा, क्लास हाई स्कूल में पढ़े होंगे, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल को हम लोगों में अगर समझने के लिए बेसिक पर्पस से देखें तो इसको हम प्लस मानेंगे और इसको हम क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में देख चुका है कि जो विद्युत धारा, मतलब उसमें विद्युत क्षेत्र में कि जो प्लस होता है, प्लस से विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, निकलती हैं, और माइनस क्या होता है, उसके तरफ आती हैं। माइनस मतलब क्या होता है, उसके तरफ आती हैं, और प्लस मतलब क्या होता है, उससे दूर जाती हैं। लेकिन सर अब हम तो पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, अभी हम बता रहे हैं। देखो, एक दंड चुंबक लिया और इसके पास हम एक चुंबकीय सुई लाते हैं। क्या लाते हैं? एक चुंबकीय सुई लाते हैं, या तो उसके पास हम रख दें या तो उसको हम लटका दें, तो होता क्या है कि वो रोटेट हो जाता है। क्या हो जाता है? रोटेट हो जाता है। किस दिशा में? सजी नॉर्थ और पोल, नॉर्थ और साउथ की दिशा में वो घूम जाता है। लेकिन सर मुझे एक बात नहीं समझता, घूमता कहां है? कोई तो बल लगा रहा हो जी। उस बल का नाम होता है बल आघूर्ण। कौन सा बल होता है वो? बल आघूर्ण। कौन सा बल होता है? बल आघूर्ण। सर जी, बल आघूर्ण क्या करता है? बल आघूर्ण वही काम करता है, जैसे हम एक चुंबकीय सुई को लटका दें, अगर ये चुंबकीय सुई को लटका दें तो वो बल आघूर्ण, एक बल लगेगा जो नॉर्थ और साउथ की दिशा में उसको रोटेट कर देगा, वही क्या कहलाता है? बल आघूर्ण कहलाता है। तो इसकी दिशा क्या होती है सर जी? चुंबकीय बल, जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या किधर होती है? तो नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर इसकी दिशा होती है। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है। सर जी, हमने ये देख लिया कि जो नॉर्थ होता है, जैसे अगर ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, तो यहाँ क्या होगा? साउथ होगा, फिर यहाँ नॉर्थ होगा, ऐसे ऐसे करते आते हैं। मतलब इनकी जो डायरेक्शन होती है, क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि सर जी चुंबकीय क्षेत्र है क्या, फिल्म में चुंबकीय क्षेत्र है क्या, और सर जी इसकी दिशा किधर होती है चुंबकीय क्षेत्र की? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है साउथ से, मतलब नॉर्थ से साउथ, मतलब दक्षिणी से उत्तर की ओर होता है, दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? देखिए, नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। सर जी, चुंबकीय क्षेत्र का अगर डिफिनेशन कोई पूछे तो हम कैसे देंगे? तो चुंबकीय क्षेत्र आप यहाँ देखिए, यदि हम किसी दंड चुंबक के पास, या ऐसे बोले चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें उस जिसमें चुंबकीय सुई पर उत्पन्न वैद्युत आघूर्ण उसको घुमाने का प्रयत्न करता है, किसको उसी दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, वही कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इसका उसका दिशा किधर होती है, तो नॉर्थ से साउथ मतलब दक्षिणी से उत्तर की ओर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है? ठीक है भैया। दूसरी चीज़ कि यह ऑरेस्टर का प्रयोग क्या होता है, तो ऑरेस्टर ने यहाँ तक तो हम लोगों ने देख चुका कि जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें ऑरेस्टर मतलब विद्युत बल आघूर्ण घुमाने का प्रयत्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। लेकिन सर जी, ऑरेस्टर क्यों आए? तो ऑरेस्टर ने देखा कि जब हम कोई विद्युत क्षेत्र, मतलब कोई अगर विद्युत धारा बह रही है, विद्युत धारा बह रही है, तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसे चुंबक रख दिया, तो उन्होंने देखा यार चुंबक मेरा विक्षेपित हो जा रहा है। क्यों? इससे यह पता निकाला कि वैद्युत धारा में चुंबकीय चुंबक का गुण है। वैद्युत अगर कोई किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाते हैं। अच्छी बात है। और यही इन्होंने निकाला किसका, ऑरेस्टेड का प्रयोग यही था कि उन्होंने क्या निकाला, किसी चालक में बहने वाली धारा के बीच और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसी के बीच ये संबंध निकाले। तो क्या इनका स्टेटमेंट क्या था, इन्होंने एक परिपथ लिया, क्या लिया, एक परिपथ लिया और इसको कुंजी लगा दिया, और इसके अंदर क्या किया इन्होंने, विद्युत धारा पहले इसे सेम रखा, पहले केस में इन्होंने इसे सेम रखा, और उसमें एक इन्होंने क्या रखा, एक भैया ये रखे चुंबक रखे। तो मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये दक्षिणी ये उत्तरी,
तो इन्होंने देखा जब इसमें कोई विद्युत धारा नहीं बह रही, अब विद्युत धारा बहेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि हमने पलक को बंद किया है। देखो अच्छा, ये बंद किया कि खुला, ये पलक कुंजी खुली हुई है, तो जब कुंजी खुली हुई होगी तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो पहले केस में ये देखा कि अगर हम कुंजी को खोल दें तो ये जो हमारा चुंबक है इसमें कोई विक्षेपित नहीं हो रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि यह समांतर है, इसके अंदर अगर विद्युत धारा नहीं होगी तो कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। दूसरे केस में इन्होंने ये देखा कि अब हम इसमें क्या करते हैं, चुंबक विद्युत धारा दबा दिया, अब मैंने क्या देखा, देखो जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो माइनस से प्लस की ओर जाता है, तो माइनस से प्लस की ओर आया जैसे विद्युत धारा, और यहाँ मैंने चुंबक को सेम एज इट इज वैसे सेम रखा, तो मैंने यहाँ क्या देखा कि ये जो नॉर्थ मेरा है, नॉर्थ पोल, जैसे चुंबक आया ये तुरंत विक्षेपित हो गया, मतलब इसको कुछ इस तरीके से हो गया, मतलब ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ, ये नॉर्थ है, मतलब क्या हुआ, चुंबक थोड़ा सा ऐसे घूम गया, तो ये देखा अरेस्टर ने कि हाँ यार, ये तो चुंबक जो विद्युत चुंबक है, ये चुंबक है और ये विद्युत धारा के बीच में संबंध निकाला। कहा कि उन्होंने कहा कि अगर कोई विद्युत धारा बह रही है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तीसरे केस में उन्होंने क्या किया, पहले तो चेक कर लिए कि हाँ यार कोई नाम है, तो फिर इन्होंने क्या किया, इस परिपथ को उल्टा कर दिया और फिर देखा कि क्या उल्टा करने पे कोई फर्क पड़ता है चुंबक पर, तो उन्होंने क्या किया, परिपथ को उल्टा कर दिया। चलो भैया हम यहाँ कुंजी लगा देते हैं। परिपथ को उल्टा कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ माइनस को यहाँ ले आया और प्लस को यहाँ, ये माइनस ये प्लस, कुंजी को दबा दिया तो विद्युत धारा इधर से इधर आएगी, और इसमें जो देखा कि जो चुंबक है मेरा यहाँ साउथ आ गया, उन्होंने देखा कि यहाँ जो साउथ आ गया, यहाँ क्या आ गया, साउथ, और यहाँ आ गया नॉर्थ, मतलब ये देखा कि पहले दूसरे केस में क्या था कि नॉर्थ आ गया, अब जैसे हम परिपथ को उल्टा कर दिया तो इसे यहाँ भी उल्टा केस बन गया। तो इनका जो फंडामेंटल यही था, इनका जो मेन मकसद था वो एक्चुअली में विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि किसी चालक में बहने वाली धारा के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए इससे विराम लगाते हैं और जस्ट इसके बाद सेकंड लाते हैं कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बायो सेवर्ट का नियम, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो इसी पर विराम लगाते हैं। जय हिंद, जय भारत।